अभी गूगल में सर्च करें सैमसंग गैलेक्सी S20 तो बहुत सारे वेबसाइट अवेलेबल है जो अलग अलग स्पेसिफिकेशन बता रही है, और हर वेबसाइट में सबका स्पेसिफिकेशन अलग है। तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा कौन सा इसका स्पेसिफिकेशन सही है, तो थोड़ा हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो आपको इसके लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सो हेलो एवरीवन, मैं नाम आशित गोपाल। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, सैमसंग 3 फोन लॉन्च करने वाला है फरवरी में, सैमसंग गैलेक्सी S20, S20 प्लस और S20 अल्ट्रा। ओके, जिसमें से आज के इस वीडियो में हम सिर्फ S20 के बारे में ही बात करेंगे। अगर मैं बात करूँ S20 की, तो ये साइज में छोटा होगा और इसमें बैक में आपको 3 कैमरा मिलेगा विद LED फ्लैश। वैसे काफ़ी सारे इसके इमेज लीक हुए हैं, जिसमें से ये एक इमेज ये रियल है। जैसे कि आप ये देखें तो ये है वो है सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस 5G, ये 5G के साथ आएगा। और सबका डाउट ये कि जो S20 क्या उसमें 5G रहेगा। जैसे कि आपको पता है सैमसंग के मिडिल या फिर थर्ड नंबर के फोन यानी S20 प्लस या फिर S20 अल्ट्रा, ये दोनों में 5G रहेगा कन्फर्म है, लेकिन क्या S20 में भी रहेगा? हाँ, ऐसे 75% तक चांसेस है कि रह सकता है 5G, बाकी का चांस इसलिए नहीं है क्योंकि सैमसंग हटा भी सकता है, रख भी सकता है, क्योंकि अब जैसे आपको पता है 5G का ट्रेंड आ रहा है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि S20 में भी 5G रहेंगे। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। अब इसके बारे में बात करते हैं इसके थोड़े फीचर्स की। तो चाहे वो GSM Arena हो या फिर जितने भी वेबसाइट हो, सब अलग अलग स्पेसिफिकेशन बताएं। अब कौन सा कन्फर्म है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले से। जो सैमसंग गैलेक्सी S20 वो 6.3 इंच फुल HD AMOLED डिस्प्ले के साथ आएगा, जिसमें आपको रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का मिलेगा, यानी इसका जो डिस्प्ले में रहेगा वो, और इसमें सैमसंग अच्छा खासा खर्चा कर रहा है डिस्प्ले में, तो इससे पता चल रहा है जहाँ डिस्प्ले की बात आती है तो प्राइस भी हाई रहता है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए स्नीक पीक है, बाकी अभी मैं आपको प्राइस भी लास्ट में बताऊंगा, वीडियो को देखते रहिए। अब जो इसका कैमरा पता चल रहा है बैक का, वो है 64 मेगापिक्सल का, जो सिर्फ S20 उसमें आपको 3 कैमरा विद LED फ्लैश कुछ इस तरीके के सेटअप के साथ मिलेंगे। तो बैक में 64 मेगापिक्सल है, बाकी कौन कौन सा कैमरा कितने कितने का वो भी पता नहीं चला, लेकिन बैक में 64 मेगापिक्सल कैमरा रहेगा। और ऐसा चांसेस है कि जो इसका हाईएस्ट वेरिएंट होगा वो 12GB रैम के साथ आएगा और 4000mAh का बैटरी मिलेगा आपको इस फ़ोन में। अब एक थोड़ा सा मेरे को इसके बैटरी पे डाउट हो रहा है, अगर 5000 भी दे सकता है और 4000 भी दे सकता है, ऐसे किसी भी वेबसाइट में कंफर्म नहीं कि बैटरी 4000 ही रहेगा, मे बी 5000 भी रह सकता है, चांसेस है। ये जो फ़ोन है वो एंड्रॉयड 10 के साथ आएगा और इसकी डिस्प्ले में आपको गोरिल्ला ग्लास 6 का भी प्रोटेक्शन मिलेगा। ये स्नैपड्रैगन 865 के साथ आएगा, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि हाँ इसमें 5G हो सकते हैं, क्योंकि 865 बोल रहा है यानी हो भी सकता है 5G। अब देखते हैं, वो तो लॉन्च होने से ही पता चलेगा। अब लॉन्च होने की बात आई है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका जो एक्सपेक्टेड रिलीज डेट पता चला है वो है फरवरी 11 या 12। ओके, सो फरवरी में ये तीनों फ़ोन लॉन्च हो सकते हैं। तो अभी इसके बारे में टोटल ये पता चला है, बाकी जो एक्स्ट्रा और फीचर्स है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जितना पता था पूरे इंटरनेट से रिसर्च करके मैं आपको बता दिया हूँ, अगर और भी कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो बस ये था वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई एम आशित गोपाल एंड आई एम साइनिंग ऑफ।